हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल पीएससी एजुकेशन। आज हम वर्णमाला के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? सही जवाब है वर्ण। ऑप्शन डी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। सही जवाब है ऑप्शन सी 52। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही जवाब है संयुक्त वर्णन, ऑप्शन सी संयुक्त वर्णन। अगला प्रश्न है, निम्न में से खंड ध्वनियां हैं। पहला विकल्प ख ख, यह है खंड ध्वनियां ख घ। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम ख के बाद आता है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ सही जवाब होता है ज प्लस ङ, ऑप्शन बी ज प्लस ङ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण है क घ, ऑप्शन बी ख घ। अगला है, अघोष वर्ण है स। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन ङ, ङ नासिक्य व्यंजन में आता है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही जवाब है खंड, ऑप्शन बी खंड। अगला प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? खंड तालव्य। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन बी ज्ञ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? अ, यह है अयोगवाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंद्य निहीम है? वे है ठ, बाकी सब त थ दंद न थ न ध, वे उच्चारण की दृष्टि से दंद्य में आता है। अगला है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सही जवाब है दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आते हैं उन्हें अगारांद कहते हैं। श भ स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। श भ स ह स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क्ष वर्ण किसके योग से बना है? सही जवाब है क, क, छ, क, छ, इनके योग से क्ष वर्ण बना है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित दुनिया कौन सी है? नवीन विकसित दुनिया क, घ, ऑप्शन ए क, घ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ स्वरों की कुल संख्या पूछे गए हैं, तो हम उसका जवाब लिखेंगे 13। कुल संख्या 13 है, अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन सी स, स घोष वर्ण है, वर्ण में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? जो स्वर नहीं है वे है ng, ऑप्शन डी। अगला है, कौन सा अमानक वर्ण है? ये है अमानक वर्ण, ऑप्शन सी, ये अमानक वर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? जो ट वर्ग में नहीं आता है वो है घ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क घ ज फ दुनिया किसकी है? अरबी फारसी की। क घ ज फ दुनिया अरबी फारसी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 33 व्यंजन होते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है ऑप्शन सी ढ, 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 ऑप्शन सी, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है ट, ढ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन ए आ, ये पश्च स्वर में आता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन डी, वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह है वो है विसर्ग, अयोगवाह वो है, वो विसर्ग है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। अगला प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अगला प्रश्न, कंडोष्टिच, कंडोष्ट ध्वनि का उदाहरण, कंडोष्ट ध्वनि का उदाहरण है सही जवाब है ऑप्शन ए आओ, जिसमें ओष्ट तथा खंड के, खंड से निकले हुए शब्द को ओष्ट के कंबन द्वारा बाहर आता है तो ओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो एक संयुक्त व्यंजन नहीं है वे है छ। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा ध्वनि, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि शब्द पद वाक्य, ऑप्शन डी, ध्वनि शब्द, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। अगला है, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है
सही जवाब है ऑप्शन ए च च ज ज। ये चार तालव्य व्यंजन में आता है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर खंड से लेकर मुग विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। खंड से लेकर उच्चारण कर स्थान के आधार पर सही अनुक्रम पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए कंड्य तालव्य व मूर्धन्य। ये इसे मूर्धन्य लिखना चाहिए। मूर्धन्य कंड तालव्य मूर्धन्य दंद्य ओष्ट। यह है उनका क्रम। अगला प्रश्न है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। अंधस्थ व्यंजन है। अंधस्थ वर्ग के व्यंजन है। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से संबंध होकर जो शब्द निकलते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। तो आज इसका उत्तर जवाब है इधर सही जवाब। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।